भरोसे में यही वॉलंटियर जो रात में घूमते हैं तो उन्हीं के भरोसे होता है, और काफ़ी चौक चपन भी मतलब होती है हमेशा ही, रात में भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती हैं और सिटी के थ्रू चाहे वैसे भी वॉलंटियर बहुत सारे होते हैं। जी वड्डा नुकसान है ये सारा टेंट देखो कपड़े का है, ये ते तप्पड़ नाल दी भी कपड़े आ, उत्थे किताबां ने, और नाल दे SGPC दा जिहड़ा टेंट लगा है ये भी सारा कपड़े किताबां दा ही है, खाने दा तो बहुत वड्डा नुकसान हो सकता सीगा। ये कोई छोटी बात नहीं है ये, और ये घटना है सिर्फ आज नहीं हुई है, आने वाले समय में होने के चांसेज है, तो प्रशासन को भी सचेत होना पड़ेगा और जो हमारे जो साथी हैं किसान भाइयों को भी थोड़ा इन चीज़ों पे सचेत होने की ज़रूरत है। साथ में जो आसपास में टेंट में लोग हैं सबको हमने जाके सूचित किया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, कि अगर ऐसी चीज़ हो आप लोग भी मतलब आराम से तो ना ही सोएं, कम से कम जागते रहे। वो तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, मैं गुरतेज सिंह थूही तस्वीरां दिल्ली कुंडली बॉर्डर दियां दिखा रहा, जिथों रात लगभग 7:45 दे करीब शरारती अंसरां वल्लों टेंट नूं अग लगाउण दी कोशिश कीती गई। मैं कैमरामैन नूं कहूँगा कि नेड़ेओं तस्वीरां दिखाईआं जाण। रात 7:45 दे करीब दो जगह जिहड़ी अग लाउण दी कोशिश कीती गई है, सो जिथे संघर्ष है जिहड़ा 108वें दिन च दाखल हो गया उत्थे शरारती अंसर जिहड़े बाज नहीं आ रहे। सो साडे नाल वीर जी मौजूद ने, गलबात करांगे ये जिहड़ी घटना है किवें वापरिआ, तुसीं इत्थे सी मौजूद सी जदों? हाँ जी, तकरीबन रात दे 10 बजे दा टाइम होणा, तो साड़ी नाल इत्थे लाइब्रेरी होंदी सी पहला, पिछले कुछ समय च इत्थे नेहरी आई सी कि तां थोड़ा जिहा अस्त व्यस्त हो गया, तो असीं जिहड़ा लाइब्रेरी नाल दे टेंट च शिफ्ट कर दित्ती। तां तकरीबन रात 10 बजे दी गल होणी है, मेरे साथी खाना खाण तों बाद सैर करन गए सी, मैं टेंट च मौजूद सीगा, तां होया कि टेंट दी जिप खुली है कोई अंदर नहीं आया, तो मैं वेख रहा मैं कहा मेरे साथी होणगे कोई नहीं आया, मैं फिर बाहर आया मैं देखा गेड़े गुड़े कढ़े 2-3 मिनट खड़ा रहा कोई नहीं सी, मैं अंदर चला गया, मैं कहा कोई शरारत कर रहा होना। उदो की 3-4 मिनट बाद इन्होंने मैंने आवाज़ मार ली कि इतने अग लगी हुई है, तो इन्होंने अचानक देखी है अग लगी हजे लगी हुई सी, तो इन्होंने आपके हाथ ना बुझा दी है। जे ना मौके तो वड्डा नुकसान जो हो सकता है? हाँ जी वड्डा नुकसान है ये सारा टेंट देखो कपड़े का है, ये तो तप्पड़ नाल दी भी कपड़े आ, उत्थे किताबां ने, और नाल दे SGPC का जो टेंट लगा हुआ है ये भी सारा कपड़े किताबों का ही है, खाने का, तो बहुत वड्डा नुकसान हो सकता सीगा जे समय दे ना आउंदे। ठीक है, प्रशासन का कोई प्रबंध नहीं है इत्थे जे अग लग जांदी जां कुछ होर? ऐसा तो प्रशासन का कुछ दिखा नहीं, हम तो भरोसे में यही वॉलंटियर जो रात में घूमते हैं तो उन्हीं के भरोसे होता है, और काफ़ी चौक चबन भी मतलब होती है हमेशा ही, रात में भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती हैं और सिटी के थ्रू चाहे वैसे भी वॉलंटियर बहुत सारे होते हैं। तो रात को अचानक हम लोग गए हुए थे वहाँ पे, खाना खाने के बाद वॉकिंग कर रहे थे हम, टेंट को देख रहे थे कि फिर कौन से टेंट हम लोग लगाएंगे। अभी हमें कुछ दिन पहले यहाँ पर आंधी की वजह से हमारी टेंट जो है यहाँ पर उड़ गई, वो तो हमारे यूथ फॉर स्वराज के साथ ही जो हम लोग के साथ में थे तो पंजाब वो वापस चले गए थे, तो हमारी ज़्यादा संख्या थी नहीं, तो एक टेंट हमने पास में लगा ली थी, और जो संख्या कम की वजह से जो है ना हम पूरी टेंट में दोनों में नहीं रह पा रहे थे, लेकिन हम देख रेख कर रहे थे, तो वही हम जब वापस आए तो हमने अचानक जो है आग जो है हमें महसूस हुआ देखा हमने, फिर जल्दी से आए, फिर हम पीछे से दोनों साथी हम और ग्रिजेश भाई थे तो उन्होंने जो है जल्दी से उस आग को बुझाया, उसका हम फोटो भी नहीं ले पाए क्योंकि जल्दबाजी मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग उसका फ़ोटो ले या फिर क्या उसका रिएक्शन क्या हो, जल्दी से हमने किया, फिर साथ में जो आसपास में टेंट में लोग हैं सबको हमने जाके सूचित किया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, कि अगर ऐसी चीज़ हो आप लोग भी मतलब आराम से तो ना ही सोएं, कम से कम जागते रहे। वो फिर उसके बाद सब जगह बताया हमने, फिर वॉलंटियर आए तो उनको हमने बताया, उन्होंने भी वीडियो शूट किया इसका, और फिर उसके बाद चाक चौपन काफ़ी दिखी, रात में भी उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि ऐसे ही रात में 12 बजे घूम रहे थे, तो ये सोचना हम वहाँ तक भी स्टेज तक भी पहुँचाने का हमने प्रयास किया, वहाँ तक भी पहुँचा है ताकि ये चीज़ें और भी, और ऐसा हमने ये भी सोचा है कि और भी कहीं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई हो तो ये पता चलने से पता चल पाए, कहीं ऐसा सिस्टमेटिक तो नहीं था कि एक जगह हुआ कहीं और भी ऐसा किया गया। जी एक कुंडली बॉर्डर दी तस्वीरां ने जिथे रात को लगभग 10:45 के करीब शरारती अंसरां वालों तस्वीरां दिखा रहे सोनू कि अग लगाउण दी टेंट नूं अग लगाउण दी कोशिश की गई, तुहानूं दिखाउने आ अगे एक लाइब्रेरी है जिथे हनेरी दे कारण लाइब्रेरी शिफ्ट की गई सी, लोगों नूं सिक्ख्या दे नाल जोड़न लई वड्डा उपराला जिहड़ा है वह किया गया है। सो मैं कैमरामैन नूं कहूंगा तस्वीरां दिखाईआं ना, ठेका किताब इस नाम दे नाल जिहड़ी इह लाइब्रेरी है, सो इधर शिफ्ट की गई है हुण, तो लोगों को एक चंगा साहित जी किताबा पढ़ने लिए फ्री सेवा जी की जा रही है, परंतु शरारती अंसरों वालों अजिहे मौके जदों 108वें दिन संघर्ष है जिहड़ा
वो दाखिल हो गया है तो कितने ना कि शरारती अंसर हजे भी अपने हरकतों तो बाज नहीं आ रहे। सो तुसी प्रशासन को की कहना चाहोगे इस मौके, प्रशासन को की कहना चाहते हो? हमें लगता है कि प्रशासन को जो वो लगा उनको चक्कर लगाने चाहिए, जो जिप्सी उनकी है, जो थाने यहाँ पे हैं, तो उनको चाक चौबंद होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है ये, और ये घटना है सिर्फ आज नहीं हुई है, आने वाले समय में होने के चांसेज हैं। तो प्रशासन को भी सचेत होना पड़ेगा, और जो हमारे जो साथी हैं किसान भाइयों को भी थोड़ा इन चीज़ों पर सचेत होने की ज़रूरत है। और तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसी घटनाएँ ना हो। सो कुंडली बॉर्डर दी तस्वीरां ने जिथे शरारती अंसर वालों टेंट नूं अग लगाउण दी कोशिश की, परंतु बचा इस लई रह गया क्योंकि उस वक्त जिहड़े दोस्त सीगे जागदे सी, इन्हां तुरंत अग नूं बुझाई ते वलंटियरां नूं आले दुआले दस्सिया, परंतु जिहड़ा हैगा कोई भी जिहड़ा हैगा काबू नहीं आ सकिया मौके ते। सो होर भी साडे जिहड़े किसान भरा ने सारिआं नूं इन्हां ने बेनती की है कि संतर्क रहने की जरूरत है कि होर अजि घटना नाल जे कि लाइब्रेरी उत्थे आउंदी तां जे कि होर रात का टाइम होंदा तां वड्डा नुकसान हो सकता सी। सो कैमरामैन गुरवीर गुरी दे नाल मैनू गुरतेज सूई नूं दिओ इजाजत, धन्नवाद। पाइप चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।